हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पे डिस्कशन किया था, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे। उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रोडक्शन रेट भी दिया हो तो उसमें फिर हम लॉ ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस पर एग्जाम्पल है, ये इस पर डिस्कशन करेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विद डीके कॉन्स्टेंट ऑफ 0.5 पर सेकेंड, ये डीके कॉन्स्टेंट है, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 50 न्यूक्लियाई पर सेकेंड। ये देखिए, कॉन्स्टेंट रेट से क्या बोला है, बीइंग प्रोड्यूस्ड, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये रेट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अल्फा से डिनोट किया था। इट मीन्स दैट इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी हुई है 50 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, ये अल्फा इसमें दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर ही प्रोडक्शन रेट अल्फा हो गया, नोट करा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है 0.5 पर सेकेंड, ये क्या है, ये है डीके कॉन्स्टेंट। डीके कॉन्स्टेंट को हम लोग लेमडा से लिखते हैं, तो ये लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ है ऊपर 0.5 पर सेकेंड, ये लेमडा दिया हुआ है हमको। देखिए फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ देयर आर नो न्यूक्लियाई इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में जब डीके स्टार्ट हुआ था, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ था, तब वहां पर कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं थे। फिर क्या बोला, द टाइम आफ्टर विच 25 न्यूक्लियाई विल बी प्रेजेंट, ये क्या है, 25 न्यूक्लियाई बच गए, मतलब ये अनडिकेड है, तो इसमें हम इसको कैपिटल एन लिखते हैं। अनडिकेड में ये हो गए 25, एन इज इक्वल टू 25 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। ठीक है, ये हमने गिवन डेटा नोट कर लिया। अब देखिए, चलिए मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसमें हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको इसमें बताया था, dn बाय dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन लेमडा। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि अगर प्रोडक्शन रेट दिया है तो यहां पर ये जो डिके रेट है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और एक ही प्रोडक्शन रेट है, एन अनडिकेड ये एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, और लेमडा यहाँ पर डिके कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन लेमडा फॉर्मूला होगा। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन लेमडा है, चलिए मैंने दोबारा उसको लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा में मैं सेपरेट करूंगा इसको, तो ये आएगा यहां से dn अपॉन अल्फा माइनस एन लेमडा इज इक्वल टू डी टी। लास्ट वीडियो में आई थिंक सेकंड पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन करना बताया था, वही देखिए यहां पर भी हम लोग इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। dn बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन लेमडा था, तो हमने अल्फा माइनस मतलब एन वाले हम एक साइड में कर रहे हैं और टी वाले एक साइड में, तो dn अपॉन अल्फा माइनस एन लेमडा यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज रेडी टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए ये 1 अपॉन अल्फा माइनस एन लेमडा इंटू डी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये रेडी हो गया इंटीग्रेट करने के लिए। अब आपको पता है, साइड में मैं इधर फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं लॉग एक्स, ये एक फॉर्मूला है। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस एन लेमडा दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए लॉग अल्फा माइनस एन लेमडा, क्योंकि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो लॉग, तो ये 1 अपॉन अल्फा माइनस एन लेमडा का इंटीग्रेशन लॉग अल्फा माइनस एन लेमडा होना चाहिए। बट एक चीज आप यहां पर देखिए, जब यहां पर x होता है सिंपल, तब हम लॉग एक्स लिख देते हैं, यहां पर सिंपल x तो है नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको x कंसिडर कर लेंगे, पूरे को x कंसिडर करेंगे। तो अगर इसको x कंसिडर किया तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग एक्स हो गया ये। नेक्स्ट आगे, जिसको हम x कंसिडर करेंगे उसको एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे, और जो डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा उसको इसके अपॉन में लिख देंगे। चलिए देखिए, अल्फा माइनस एन लेमडा लिखा हुआ है ये, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो देखिए अल्फा कॉन्स्टेंट रेट एक यहां पर कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे लेकिन जिसको एक्स कंसीडर करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस,
लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो लेमडा को हमने बाहर लिखा, इनटू एन का डिफरेंशिएशन वन हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर डीएन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे लिए एन वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो अल्फा कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस लेमडा को आउटसाइड लिया हमने क्योंकि जो है वो कांस्टेंट होगा, और एन यहाँ पर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन वन हो गया। चलिए ये आ गया माइनस का लेमडा, इट मीन्स दैट माइनस लेमडा, ये माइनस लेमडा आ गया। ठीक, मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसको हम यहाँ पर अपॉन में लिख देते हैं, तो ये अपॉन में अगर लिखेंगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें वन का इंटीग्रेशन करना था, क्योंकि यहाँ पर डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको, इस फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। फंक्शन क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वन कंसिडर करेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन यहाँ पर टी हो गया, वन का इंटीग्रेशन टी हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। आपको पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं हम तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, बट फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये टी प्लस सी ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग अल्फा माइनस एन लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेमडा को इस साइड में। अब आप सोच रहे होंगे कि लेमडा को मैंने इस साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो टी और सी दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सिर्फ टी में मल्टीप्लाई करा, सी में नहीं किया। तो उसका रीजन ये है कि सी यहाँ पर एक सिर्फ कांस्टेंट नंबर है जो इंटीग्रेशन की वजह से ऐड होता है, और वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। चलिए अब हम इस सी की वैल्यू निकालते हैं, तो इस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट टू में कि इनिशियली स्टेट पर, इनिशियल स्टेट में टी इज इक्वल टू जीरो होता है, इनिशियली टी जीरो, टी जीरो पर प्रीवियस वीडियो में एन इज इक्वल टू एन नॉट था, बट यहां पर क्वेश्चन में अभी आपने ऊपर पढ़ा कि इनिशियली देर आर नो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो मतलब एन भी जीरो है यहां पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग अल्फा, ये हो जाएगा लॉग अल्फा, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो प्लस सी। तो यहां से देखिए सी की वैल्यू आ गई लॉग अल्फा, सी की वैल्यू यहां से आ गई लॉग अल्फा। देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी की वैल्यू आई है लॉग अल्फा, इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। यहां पर हम सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग अल्फा माइनस एन लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग अल्फा। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमारा आएगा लॉग अल्फा माइनस एन लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस लॉग अल्फा। सी की वैल्यू क्या हमने पुट करी, लॉग अल्फा पुट कर दी। तो यहां से इसको हम एक साइड में लेंगे अल्फा को, तो अल्फा माइनस एन लेमडा माइनस लॉग अल्फा इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, यहां तक पहुंच गए। लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन का, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस एन लेमडा अपॉन अल्फा, ये ऐसे हो गया लॉग एम माइनस एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। हमें क्या फाइंड करना है, हमको टी फाइंड करना है, तो यहां से हमारा टी आया माइनस वन अपॉन लेमडा, लेमडा को इधर ले आए, और साथ में क्या रहेगा लॉग अल्फा माइनस एन लेमडा अपॉन अल्फा, ये टी की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई। हमको देखिए फाइंड क्या करना है, यहां पर हमको फाइंड करना है टी की वैल्यू। अब कुछ जो गिवन डेटा था जो हमने नोट करा था, देखिए इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये हमने गिवन डेटा नोट करा था, अल्फा 50 है, लेमडा 0.5 है, एन 25 है, ये अब हम वैल्यू इधर यहां पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन लेमडा की वैल्यू देखिए कितनी दी थी, 0.5 लॉग अल्फा 50 दिया था माइनस एन 25 दिया था इंटू 0.5 है अपॉन में 50 है, ये आ गया माइनस 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग। देखिए इसको तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
इसको 025 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसको 50 से माइनस करेंगे, फिर अपॉन 50। तो इसको मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में इसको हम लिख सकते हैं 37.5 अपॉन 50 आ जाएगा। इसको माइनस 2 लिखेंगे लॉग, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 शॉर्ट में। इसको डिवाइड करने पर ये 3/4 आ जाता है, इक्वल टू 2 लॉग। देखिए यहां पर माइनस था, माइनस को अगर हम लॉग के अंदर भेजते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, इस तरीके से आ जाएगा। हमने अगर माइनस को लॉग के अंदर एंटर कराया तो इसका रेसिप्रोकल कर देगा, मतलब 3/4 था अभी 4/3 हो गया। यहां से हमारा ये जो टाइम आ गया 2 log 4/3, यही हमारा आंसर है।